हेलो एवरीवन, दिस इज रुस्तम खान फ्रॉम इंटीग्रल क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का आपके भाई के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके फार्मूलाज और SI यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी के टाइप्स हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा डीप स्टडी करने वाले हैं आज हम। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी बॉडी की या मशीन की कि वो किसी वर्क को कंप्लीट कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में या फिर किसी भी मशीन के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई भी काम या वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। तो किसी भी बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो उस वर्क डन के इक्वल है जितना कि वो कंप्लीट कर सकता है। सो गाइज, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। और जो SI यूनिट है एनर्जी की वो जूल्स होती है, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। और जब एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम किलो जूल्स में काउंट करते हैं, और 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत अलग अलग तरीके की फॉर्म्स देखने के लिए मिलती है, जिसमें से यहाँ पर लिखी गई है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और गाइस, इसमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसके मोशन की वजह से, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ½mv². ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर होगी। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अगर एक कार है वो बहुत धीरे सी स्पीड में आ रही है, बहुत हल्की सी स्पीड है, और वो किसी को टक्कर मारती है तो उसको चोट थोड़ी कम लगेगी। लेकिन अगर वो कार बहुत ज़्यादा स्पीड से आए, कार वही सेम है लेकिन अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो अगर किसी को टक्कर मारेगी तो चोट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो क्या हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ने से उसके अंदर एक एनर्जी बढ़ गई, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी शेप में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पर m मास को डिनोट कर रहा है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, और h यहाँ पर हाइट को डिनोट कर रहा है। सो गाइस, पोटेंशियल एनर्जी को आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रबर स्ट्रिंग है, तो अगर हम इस स्ट्रिंग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, इट मींस इसकी शेप को चेंज करते हैं, तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से जो छोटा स्टोन पार्टिकल है ये बहुत दूर जाके गिरता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। गुड बाय।